खान अभी आठ पे, दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सैंडी रिटर्न्स रूट मिल रही है और ये अच्छा संकेत है सैंडी के लिए। अतुल आज सैंडी का बहुत बुरा दिन जा रहा है, आज पहली बॉल पे आउट हुए हैं, पहले ओवर में चक्का खाया है और अभी कैच छोड़ दी थी वो तो बच गए, जिशु पीछे पीछे घूम रहे थे उनके। और दूसरा ओवर अपना दूसरा स्पेल कर रहे हैं, पहले ओवर के बाद अगला ओवर नहीं मिला था इन्हें। आराम आराम से तो कुछ तो होगा अब सैंडी के साथ आज। देखिए एक चीज की तारीफ करनी होगी कि कप्तान बार बार मौके दे रहे हैं, ओवर एट की आप चर्चा कर रहे थे, जी हाँ थोड़ा पिछड़ता हुआ, 15 का ओवर एट होना चाहिए प्रति घंटे और अभी मात्र 12.2। अगर आप भूर्वी दबंग्स की बात करें, जब वो फील्ड पे थे उनका भी ओवर एट इतना बढ़िया नहीं पूरे 12 का, इसमें सुधार लेके आना होगा। गैप्स काफी हैं और अगर आप गैप में खेलेंगे तो आप उसका लाभ भी मिलेगा, थोड़ी सी तालमेल में कमी और सही समय पे वापस लौटते हुए ओझा। ठीक है यहाँ पे मुझे लगता है कि सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर बड़े शॉट्स ना लगे तब भी ठीक है क्योंकि 12.5 रन पर ओवर चाहिए, अगर आप अपने ओवर 7-8 रन के भी करते रहेंगे तो आपको विकेट नहीं भी मिले, दूसरे छोर से जाएगी विकेट। और अच्छे खिलाड़ी हैं सैंडी, पहले दो मैचेस में स्टार परफॉर्मर थे बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। गेंद स्टेप आउट नहीं कर रहा है बल्लेबाज, तो बल्लेबाज भी गेंदबाज को अनसेटल करने के लिए कुछ नहीं कोशिश कर रहे, वो जस्ट ड्रिफ्ट कर रहे हैं इस समय, वेटिंग फॉर द इनएविटेबल टू हैपन। ये बैफलिंग है मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आता, अगर आप हारे हुए हैं कोई प्रेशर नहीं तो यू हैव टू गो डाउन इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी, ऐसे सिंगल से ना कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट कुछ ऐसा करें जिससे कि गेंदबाज कुछ खराब गेंद करे, बाहर डाले, शॉर्ट पिच करे, जिसको आप इनकैश करें, किसी ना किसी को तो एक एग्रेसर का रोल लेना होगा, तो दोनों बैट्समैन में से डिसाइड करें कि कौन वो रोल प्ले करेगा, दोनों एक दूसरे के इंतजार में करेंगे तो एक एक करके ओवर निकलते चले जाएंगे। यहाँ थोड़ा जोखिम तो उठाना होगा और इस प्रकार जब आप स्ट्राइक करेंगे तो मिसफील्ड के भी चांसेस हैं और वही हुआ लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 4 रन मिलते हुए बोस भी दबंग्स को और खान को, बढ़िया स्ट्राइक थी, स्लॉट में गेंद थी या पूरी तरह से वार किया और बिल्कुल पैरों के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। कप्तान अभी भी चिंतित नजर आ रहे हैं, चार गेंदों में अब 98 रन चाहिए। ओवर साबित होता हुआ ये सैंडी का 9 रन जाते हुए 12 ओवर की समाप्ति 87-3। शाबाश राजा मंटे बस शाबाश बॉलिंग देबो छोटा बॉल अबे देबो छोटा बॉल अबे जाएगा से सेम जाएगा। देखिए कितना बड़ा अंतर हो चुका है इनिंग्स रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट जो कि अब 12 से ऊपर, कुछ अलग करना होगा, जोखिम उठाना होगा, 7 विकेट अभी भी शेष है दबंग्स के पास। ओझा और खान में क्षमता जरूर है बड़े शॉट्स खेलने की और वही दिखाया था पिछले ओवर में ओझा ने। शाबाश बॉय देवराज ने ओवर लेके आते हुए पार्ले जेंट से। आप मजा ले रहे हैं ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 23 कुकीज का, यह आखिरी लीग मुकाबला अब इस संस्करण का। ऑल टाइगर्स अभी भी तलाश कर रही है अपनी पहली जीत के लिए और अभी भी तमाम दर्शक काफी उत्सुक देखना चाहते हैं मुकाबला किसके पक्ष में रहता है। मैं आप ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं @ @CCL। सोच हो कोई उद्देश्य हो कोई आप बताना चाहते हैं जरूर आप ट्वीट करिए और जल्द से जल्द करिए।
बड़ी चिंता है इस चेहरे पे, इसको कुछ जरूर मुझे लगता है कि खिलाड़ी को सपोर्ट करना होगा। ऐसे अगर आपके पास सपोर्टर हो, फॉलोअर हो, तो आपका दायित्व बनता है कि आप कुछ कोशिश तो करें। दो रन तो बनते थे, आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं है अजय कि ये इंटरेस्टेड हैं भागे जाने के लिए, ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अपने आप हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये दो खिलाड़ी हैं, अगर आप इतनी दूर शॉट मार के आप दूसरे के लिए पुश नहीं करेंगे तो दैट मुझे लगता नहीं कि आप ज़्यादा आगे जाएंगे। 13 रन के आसपास आपका रिक्वायर्ड रन रेट है, वेटिंग थिंग्स टू हैपन। ये तो आपने सही कहा, बेशक बाउंड्रीज नहीं आ रही पर आपको दबाव डालना है फील्डर्स के ऊपर, पहला रन तेज से लीजिए, अगर जहाँ पे एक रन है कम से कम गुड कॉल भाई, उसे रन के लिए आप दौड़ी तो सही, क्योंकि उसमें क्या होता है फील्डर कई बार फंबल कर लेता है, जब फंबल करता है फिर एक मौका रहता है आपको दूसरे रन के लिए वापस आने का, तो इंटेंसिटी दिखानी बहुत जरूरी है, अगर नहीं दिखाएंगे फिर मुश्किलें बढ़ेंगी आपके लिए। 21 गेंदों में 17 रन बनाए हो जाने, ये अच्छा शॉट है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। तो जब आपके पास क्षमता है ऐसे स्ट्रोक लगाने की तो एक फेज आता है मैच में जब आप 3-4 ओवर में आपका ऐसा फेज आए जिसमें आप थोड़ा सा कैचअप कर लें और फिर से आप करीब आ जाएं। आखिरी 3 ओवर में आप 40 रन भी बना सकते हैं अगर आप विकेट आपके हाथ में हो, पर तब तक आपको इसी रन में रहना है, 10 से 12 रन प्रति ओवर की रेंज में। पर ये बहुत बढ़िया स्ट्राइक और जबरदस्त यहाँ पे प्रहार किया था ओझा ने, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, दूसरा छक्का इस इनिंग्स का, फिर से ड्राइव किया ऑफ साइड पे, खूबसूरत शॉट, खिलाड़ी डीप में तैनात और वापस आते हुए दूसरे रन के लिए थोड़ा प्रेशर डाला, थोड़ा दबाव डाला, ये बढ़िया सोच और बढ़िया निर्णय। 13 ओवर की समाप्ति, 98-3। तो इस प्रकार अभी तक इक्वेशन है, 86 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 42 गेंदों में। अगर दोनों रेखाओं की बात करें तो जरूर करीब आती हुई अब पुष्पित दबंग्स की सफेद रेखा, पर कहीं ना कहीं इसको बरकरार रखना होगा क्योंकि अभी भी जो आस्किंग रेट है वो 12 से ऊपर है, 7 विकेट शेष हैं। जैसे हम पहले भी कह रहे थे इस जोड़ी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओझा और खान के ऊपर, देवराज एक सफलता ले चुके हैं और बेहतरीन वातावरण सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद जहां पे आज शाम का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, पहला मुकाबला नाम रहा चेन्नई राइनोज के, उन्होंने मुंबई हीरोज को हराया और अंक तालिका में अब टॉप किया चेन्नई राइनोज की टीम ने। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव आप डोनेट कर सकते हैं hrudaya.com और एक जीवन को जरूर बचा सकते हैं, इनिशिएटिव है, बढ़िया सोच है, सही दिशा में डॉक्टर चिल्ड्रन है जो बचपन से ही पीड़ित है हृदय की समस्या से, ऑपरेशन के लिए ये पैसे जाते हैं। अतुल आप काफी मुकाबले जीत देख चुके हैं संस्करण के सीसीएल के, आपको सबसे ज्यादा किस टीम ने प्रभावित किया, क्योंकि आप हमें पता है 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन है, पर सबसे ज्यादा आपको किसने प्रभावित किया है? देखिए हिस्टोरिकली अगर आप ये 6 सीजन देखें, 5 सीजन देखें तो कर्नाटका बुलडोजर सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम है, और वो क्यों है, क्योंकि उनके पास बहुत ही बैलेंस्ड खिलाड़ी हैं, अगर एक आधा खिलाड़ी इंजर्ड होता है उसका रिप्लेसमेंट भी उतना ही बढ़िया रहता है, और वही कोर जो टीम है वो चलती चली आ रही है इतने दिनों से। पर इस सीजन मुझे लगता है तेलुगु वॉरियर्स ने बहुत इम्प्रूव किया, दिलीप वेंगसारकर मेंटोर आए हैं।